जिला से लोग यहाँ आते हैं पूर्णिया जिला में मकान फोड़ने के लिए, रोजी रोटी के लिए आते हैं। और यहाँ पे आप स्थानीय दौलत पहले घटना हुआ जिसमें दो आदमी का मृत्यु हो गया और प्रशासन के बारे में जो जानकारी मिला वो अपना अच्छा काम कर रहे हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए आपको बता दें कि आज वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी पूर्णिया पहुंचे थे। आपको याद होगा कि पूर्णिया में एक दिन पहले ही दो लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद आज वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी पूर्णिया पहुंचते हैं, पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हैं, उनको ढांढस बंधाते हैं। लेकिन इसी बीच वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कुछ ऐसा कह दिया है कि हंगामा मच गया है। आपको बता दें कि पूर्णिया पहुंचकर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने सीएम नीतीश की, पुलिस की, प्रशासन की जमकर तारीफ कर दी है। साफ साफ कह दिया है कि यहाँ पर प्रशासन अच्छा काम कर रही है, बेहतरीन काम कर रही है। अब आप भी सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि भला ऐसा क्या कुछ कह दिया है वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी ने। तो सबसे पहले आप सुनिए कि पूर्णिया पहुंचकर क्या कुछ कहा है मुकेश सैनी ने। यहाँ पे दरभंगा जिला से और अन्य अन्य जिला से लोग यहाँ आते हैं पूर्णिया जिला में मकान फोड़ने के लिए, रोजी रोटी के लिए आते हैं। और यहाँ पे आप स्थानीय दौलत पहले घटना हुआ जिसमें दो आदमी का मृत्यु हो गया और छोटा सा बात को लेकर लड़ाई हुआ है। इसके लिए हम लोग आए हैं, परिवार से मिलने के लिए, उनके दुख के घड़ी में हम लोग आए हैं। और प्रशासन के बारे में जो जानकारी मिला वो अपना अच्छा काम कर रहे हैं। सभी लोगों को अरेस्टिंग हुआ है और हम सरकार से, प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि पीड़ित को न्याय मिले। और न्याय मिलने तक हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, केस के ऊपर हम लोग नज़र रखेंगे, जो दोषी है उसको सज़ा मिले, यही हमारा मांग है। और इसके लिए हमारी पार्टी कमेटी के लोग भी इस घटना पे नज़र रखे हैं, हम भी समय निकाल कर यहाँ पे आए हैं, परिवार से मिले हैं, पूरी केस के बारे में जानकारी लिए हैं। एसएसपी साहब से हमने, एसपी साहब से बात भी हमने कल भी किया था और उधर से आश्वासन मिला है कि सभी को हमने अरेस्ट किया, कुछ लोग बचे हैं उन लोगों की भी अरेस्टिंग होगा और इसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई है वो निश्चित तौर पे होगा और उसके लिए हम लोग बैठे हैं और उसके लिए हम लोग कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। सर, पार्टी के द्वारा क्या सहयोग किया जा रहा है? वो सब हम लोग आ रहे हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी। मुकेश सैनी ने जैसे ही सीएम नीतीश की, पुलिस की, प्रशासन की तारीफ कर दी, वैसे ही हंगामा मच गया। आपने देखा कि क्यों आखिर मुकेश सैनी पूर्णिया पहुंचे थे, पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात भी की थी और मुलाकात के दौरान कुछ मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेर लिया, जिसके बाद मुकेश सैनी ने ये बड़ा बयान भी दे दिया है। देखिए आपको बता दें कि मुकेश सैनी यहीं नहीं रुके, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मैंने तुरंत फोन उठाया और एसपी से भी बातचीत की है। बातचीत में मुकेश सैनी ने क्या कुछ कहा है इसका भी जिक्र मुकेश सैनी ने किया है। देखिए आपको मालूम है कि लगातार इन दिनों एक्शन मोड में है वीआईपी सुप्रीमो। मुकेश सैनी बिहार की यात्रा भी कर रहे हैं और इसी क्रम में आज मुकेश सैनी पूर्णिया भी पहुंचते हैं। पूर्णिया में कुछ दिनों पहले दो लोगों की मौत हुई थी, पीड़ित परिवार से वीआईपी सुप्रीमो ने मुलाकात भी की थी और इसी दौरान उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। देखिए जैसे ही वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी ने बड़ा बयान दिया है वैसे ही हंगामा मच गया है। लोगों के जहन में भी अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, सब यही जानना चाह रहे हैं कि क्या मुकेश सैनी कुछ सोच तो नहीं रहे हैं। देखिए कई तरह की बातें भी कही जा रही हैं और हमने आपको बताया है, पूरा वीडियो दिखाया है, पूरा वीडियो सुनाया है और हमने आपको दिखाया है कि आखिर हंगामा क्यों हो रहा है, हंगामे के पीछे की
की बड़ी वजह क्या है, मुकेश सैनी ने क्या कुछ कहा है वो आपने सुना है, तो फिर ये पूरी वीडियो पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।